रोशनी का त्योहार दिवाली सभी की जिंदगी को खुशियों से भर देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 दिवसीय पर्व दिवाली पर जलाए जाने वाले 3 दीपकों का रहस्य क्या है और आखिर क्यों इन्हें जलाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 5 दिवसीय पर्व दिवाली पर पहला दीपक धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जलाया जाता है। मान्यता है कि जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। ध्यान रखें कि इस दीपक को रखते हुए मृत्युना पाश हस्तीन कालीन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्य जह प्रीतयामिति मंत्र का उच्चारण जरूर करें। दिवाली से पूर्व धनतेरस पर जलाया जाने वाला यह दीपक अत्यंत विशेष होता है। इसे धनतेरस की ही रात को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य जलाते हैं। इसके बाद उस दीपक को पूरे घर में घुमाकर उसे घर से बाहर कहीं दूर रखाते हैं। इस दौरान घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। मान्यता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी नकारात्मक शक्तियां और बुराइयां दूर हो जाती हैं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास कई जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। इसी कड़ी में दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसी कड़ी में दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे तुरंत ही कर्ज से राहत मिल जाती है और धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर, दसवां दीवारों पर, ग्यारहवां खिड़की, बारहवां छत पर और तेरहवां किसी चौराहे पर। दीपावली पर पितरों और यम के लिए दीपदान करने के अलावा कुल देवी के नाम पर दीपक जलाना कतई न भूलें। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।